लोग लोगों के साथ लालच के रिश्ते वाबस्ता करते हैं, खुदगर्जी के रिश्ते वाबस्ता करते हैं, अपने मुकद्दस रिश्तों को इस्तेमाल करके लोग अपनी दुनियावी जरूरियात को पूरा करते हैं। लोग देखते हैं कि मैं किसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये जो इंसानी कमजोरी है, इसके मुकाबले में, इसके तदारुक में दीन ने हमें जो अंदाज दिया है वो एसार का है। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि ये एसार पैदा कब होता है, तो उन्होंने कहा तीन बातों से एसार पैदा होगा तुम्हारे अंदर। एक तो यकीन की कुव्वत से पैदा होगा, और दूसरा मोहब्बत की शिद्दत से पैदा होगा, और तीसरा फरमाया मुशक्कत पर सब्र करने से पैदा होगा। अगर यकीन की कुव्वत आ जाए ना, अल्लाह पे भरोसा आ जाए, यकीन दीन पे हासिल हो जाए, फिर एसार करना आसान है कि मैं दे भी दूंगा तो मेरा रब और दे देगा। और दूसरा मोहब्बत की शिद्दत से एसार का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का प्यार दिल में आ जाए, फिर एसार पैदा होता है। और थोड़ी सी सब्र की मुशक्कत, थोड़ा हमें सहना आएगा।